diagnostic features of major depressive disorder uh, now we will try to understand the diagnostic criteria more in depth and uh, now we will uh, see that how different terminologies used in diagnostic criteria can be explained according to dsm-5 so the first point is that in children and adolescents mood may be irritable rather than sadness kaha jata hai? because सर्टन टाइम यू होता है कि जो बच्चा है वो इरिटेबिलिटी शो करना शुरू कर दे रादर देन सैडनेस के अगर आप बच्चे का मूड इरिटेबल देख रहे हैं और ये देख रहे हैं कि जिसने आप पेरेंट्स बता रहे हैं कि इसने चीज़ें ज़्यादा तोड़ना शुरू कर दी हैं या गुस्सा ज़्यादा करना शुरू कर दिया है या हर वक्त चिड़चिड़ा रहता है ऐसे कोई छोटा सा भी काम को तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेबल फील करता है तो कंडक्ट डिसऑर्डर और अपोजिशनल डेफिंग डिसऑर्डर के साथ साथ आपने ये भी चेक करना है कि कहीं बच्चे के अंदर डिप्रेशन के फीचर्स तो नहीं आ रहे अब डिप्रेशन के फीचर्स जब आपने चेक करने हैं तो आपने ये देखना है कि उसका वेट तो नहीं चेंज हुआ उसका स्लीप पैटर्न तो चेंज नहीं हुआ उसकी साइकोमोटर एक्टिविटी कैसी है उसकी जो एनर्जी लेवल है वो तो डिक्रीज नहीं हुआ फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस या गिल्ट तो बहुत ज़्यादा नहीं है तो आपने जो बाकी सारी सिम्टम्स हैं यानी कंसन्ट्रेशन उसकी डिस्टर्ब uh, uh, तो नहीं है डिसीजन मेकिंग तो डिस्टर्ब नहीं हो रही कहीं उसके अंदर सुसाइडल आइडिएशन या थॉट्स तो नहीं आ रहे तो आपने ये चीज़ें जो हैं वो देखनी है सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ मूड जो है आपने डायग्नोसिस uh, नहीं करना बल्कि आपने जो बाकी सिम्टम्स हैं उनको भी देखना है समटाइम ये भी होता है कि जो सैडनेस है वो इनिशियल लेवल के ऊपर जो क्लाइंट है वो डिनाई करता है वो उसको एक्नॉलेज नहीं करता लेकिन जिस वक्त आप उसे देखते हो और ऑब्जर्व करते हो तो आपको ये फील होता है कि जो क्लाइंट का जो फेशियल एक्सप्रेशन है दैट द सैडनेस ठीक है यानी उसका ब्राउनिंग फेस होगा उसके जो शोल्डर्स हैं वो हैंज होंगे वो माइड बी घोस्ट लुकिंग दे रहा हो या इस किस्म की जो बातें हैं वो आपको उसके अंदर नज़र आएंगी या सर्टन टाइम ये भी होता है कि बच्चों से जब पूछा जाता है तो दे एक्सप्लेन दैट दे जस्ट फील दम सेल्फ और कोई खास डोमिनेट इमोशन जो है वो उसके ऊपर नहीं है तो इस किस्म की जो फीलिंग्स हैं उनको भी जब आप अंडरस्टैंड करोगे तो आपको समझ आएगी कि वो जो मैनिफेस्टेशन ऑफ सिम्टम है मूड की दैट लीड्स टू वर्ड्स द सैडनेस देन जो फैमिली uh, है वो आपको uh, ये एक्सप्लेन करेगी कि जिन चीज़ों में ये पहले खुशी से पार्टिसिपेट करता था अब उनमें पार्टिसिपेट नहीं करता अच्छा यहाँ पर एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है सर्टन टाइम विद डेवलपमेंटल एज बच्चों की जो एक्टिविटीज़ हैं वो चेंज होती हैं अगर वो एक्टिविटीज़ डेवलपमेंटल एज के रेफरेंस में चेंज हो रही हैं तो डेफिनेटली वो कोई साइन ऑफ डिप्रेशन नहीं है लेकिन अगर एक बच्चा मतलब बिल्कुल ही विदड्रॉ कर गया है और वो कोई सोशल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा या कोई भी गेम नहीं खेल रहा या किसी भी चीज़ के अंदर प्लेयर फील नहीं कर रहा तो दैट्स मीन कि ये फिर प्रॉब्लमेटिक है ठीक है तो इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है और यूजुअली ये पेरेंट्स ही आकर आपको कंप्लेन करते हैं कि ये दोस्त नहीं बनाता ये दोस्तों के साथ घुलता मिलता नहीं है पहले किसी की तरफ चला जाता था अब उसकी तरफ भी नहीं जाता ठीक है या पहले ये स्कूल में जाता था इसके दोस्त थे ये फ़ोन करता था ये इसकी कम्युनिकेशन थी लेकिन अब इसकी कम्युनिकेशन नहीं है तो अगर इस किस्म का विड्रॉल जो है वो आपको देखने में आ रहा है तो आपने इस चीज़ को नोटिस करना है देन जो बच्चों की ग्रेड्स होते हैं स्कूल के अंदर वो आपको नज़र आएगा कि उनमें सिग्निफिकेंट डिक्लाइन आया है टीचर्स ये रिपोर्ट करेंगे कि ये कंसनट्रेट नहीं कर पाता ये काम नहीं करता इसको जो होमवर्क दिया जाता है वो इनकम्प्लीट होता है पेपर के अंदर परफॉर्मेंस बैड है इसके जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो उसको कॉपी नहीं करता ठीक है तो इस किस्म की जो उसकी कंसंट्रेशन की एबिलिटीज़ हैं वो इफ़ेक्ट होंगी और वो कोई काम जो है उसको फोकस नहीं करेगा तो ये भी कंप्लेन जब आपको बच्चे में नज़र आए तो यू नीड टू बी टेक केयर ऑफ दी सिम्टम्स टू देन सर्टन टाइम बच्चे के अंदर विश ऑफ डेथ जो है वो पैसिव भी हो सकती है ठीक है ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत जैसे आप कहते हैं कि अनाउंस करे कि मुझे ये प्रॉब्लम है या मैं मरना चाहता हूँ इट मे पॉसिबल कि उसको रिकरेंट जो थॉट्स हैं सुसाइड के बारे में वो आए ठीक है यानी वो आपके साथ ये शेयर करेगा कि आई वॉन्ट टू फिनिश माई लाइफ या मैं अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करना चाहता हूँ मुझे पढ़ाई अच्छी नहीं लगती मुझे दोस्त बनाने अच्छे नहीं लगते मुझे सब लोग पुश करते हैं मैं ज़िंदा ही नहीं रहना चाहता तो मैं ये सारे काम क्यों करूँ ठीक है या ज़िंदगी बहुत बोरिंग है और मुझे इसमें कोई दिलचस्पी महसूस नहीं होती और मैं चाहता हूँ कि ये ज़िंदगी जल्दी ख़त्म हो जाए तो इस किस्म के जब थाट्स वो आपको बताएगा तो इसका मतलब है कि बच्चे के अंदर विश फॉर डेथ जो है वो मौजूद है इसके साथ साथ आपने ये भी देखना है कि बच्चा जो है आ, वो कहीं आ, कोई प्लान तो नहीं करा सुसाइड यानी उसने कोई अपने कमरे में ब्लेड्स तो नहीं रखे हुए कहीं उसने कोई रोप तो नहीं रखी हुई कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जिससे वो आ, अपने आप को ख़त्म करने की किसी भी मौके पे कोशिश कर सकता है तो यू आल्सो नीड टू बी केयरफुल अबाउट दीज थिंग्स और अगर ऐसा है तो यू नीड टू बी इंटीमेट हैज पेरेंट्स ताकि जो है आ, वो उसको प्रॉपर लुक आफ्टर कर सकें देन इन बच्चों के अंदर जो मोरालिटी लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है ठीक है यानी उनको ये लगता है कि दुनिया में दुनिया में नहीं लेकिन उनकी अपनी ज़ात के अंदर आ, अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है या वो किसी चीज़ को फुलफिल नहीं कर पा रहे तो दैट्स ऑल हैपन बिकॉज ऑफ ए मोह ठीक है उसकी वजह से आ, उस गिल्ड को टाइम एनकाउंटर करने के लिए वो सुसाइड जो है वो करने की कोशिश करते हैं ठीक इसके अलावा यूं भी हो सकता है कि अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हैं तो उनके अंदर सप्रेशन एन्जाइटी जो है वो डेवलप हो जाए यानी अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स की डाइवोर्स हुई है तो माइट भी वो ये समझना शुरू कर दे कि ये मेरी वजह से हुआ है और जिस पेरेंट के साथ वो रह रहा है वो फिर इतना ज़्यादा फ्राइटेंड हो जाए कि वो हर वक्त उन्हीं के साथ क्लेंग रहे और उनको आ, उनसे आ, मतलब उनको बिल्कुल भी ना छोड़ सके ठीक है तो दैट्स मीन के सेपरेशन एनजाइटी भी जो है वो सर्टेन टाइम मैनिफेस्ट हो सकती है